Accenture is an organization that builds you for the corporate world. The experience is really, really good. यहाँ पे वेदर वगैरह वो भी सब काफी अच्छा है. फैकल्टी काफी अच्छी है. हिमाचल प्रदेश प्रकृति की अनुपम सुंदरता से सराबोर. क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित 11 पहाड़ी राज्यों में से एक है. ये प्रदेश भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक है. यहाँ 37,033 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है जो कुल भारतीय भूमि का करीब 66% है. देवों की इस भूमि में धर्म और आस्था के साथ साथ विकास की बयार भी बह रही है. संकल्प के साथ किए गए प्रयास सफल अवश्य होते हैं, सपने सच जरूर होते हैं, और इन सपनों को साकार करने में सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा. वो शिक्षा जो देश के भविष्य का निर्माण करती है. यही वजह है कि 21वीं सदी के इस नए भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बीते कुछ सालों में ऐसा ही देखने को मिला है. युवा शक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के हर कोने में नए शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है. गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर, IIM सिरमौर, IIT मंडी, IIIT ऊना. केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दी गई ये वो सौगातें हैं जो नए हिमाचल और सशक्त हिमाचल की पहचान बन चुके हैं, जिससे प्रदेश का युवा न सिर्फ शिक्षित हुआ है बल्कि उसे रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं. इन इंजीनियरिंग कॉलेज यू गेन नॉलेज दैट इज ऑफ बुकिश, बट इन MBA कॉलेज यू लर्न थिंग्स दैट आर मोर एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. द एक्सपीरियंस इज रियली रियली गुड एंड वी आर अबाउट टू स्विच आवर परमानेंट कैंपस. बिलासपुर के बंदला में 140 करोड़ की लागत से बनने वाले गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला हाइड्रो सेक्टर में देश का दूसरा कॉलेज है और इसमें देश भर के बच्चे शिक्षा हासिल करने आ रहे हैं. 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉलेज की आधारशिला रखी और 5 अक्टूबर 2022 को ये इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसका साक्षी हिमाचल के साथ साथ पूरा देश बना. कॉलेज को नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की 125 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली और 11.6 एकड़ के क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया. ये संस्थान आने वाले समय में पन विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य रोजगार के क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा IIM सिरमौर, IIT मंडी, IIIT ऊना जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों की सौगात मिली है, जिसकी बदौलत अब बच्चों को शिक्षा के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता है. अब बच्चे अपने ही घर में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं. मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है. इन प्रतिष्ठित संस्थानों के खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति तो आई ही है, साथ ही प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को भी इससे फायदा पहुंच रहा है. मैं हरियाणा से हूं तो एक कॉलेज मतलब काफी पास पड़ता है, आसपास में एक IIIT होना, तो अब जैसे मुझे वीकेंड्स पे घर जाना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती. मैं आराम से ट्रेन बुक करके घर जा सकता हूं, और यहां पे वेदर वगैरह वो भी सब काफी अच्छा है, और फैकल्टी वगैरह कैंपस सब बढ़िया ही है. पंजाब के बॉर्डर से लगन कारण पंजाब के लोगों को भी बहुत फायदा होया, तो और कई बच्चे जो इतने आते हैं उन्होंने भी बहुत बेनीफिट होया. बाकी लवे को लगते हैं शहर के लग गया तो उस करके बहुत बेनीफिट होया. बाकी जोड़े लोग सारे उरे है
वो भी बहुत बेनीफिट इसका ले रहे ने। यहाँ पे इस कॉलेज में फैकल्टी काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खाने की मेस की, तो मेस फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हाइजीनिक और मेंटेनेंस है मेसों में। और अगर यहाँ के सराउंडिंग की बात करें तो बहुत ही, यहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारी प्लेग्राउंड्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, वेल क्वालिफाइड है, कैंपस भी काफ़ी अच्छा है। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार भी। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र की मोदी सरकार निरंतर काम कर रही है। अच्छे शिक्षण संस्थानों का निर्माण भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। ये केवल अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिकों को तैयार कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प ने अमृतकाल में देश को एक नई दिशा दी है और इस संकल्प के साथ हमारे युवा शक्ति को आवश्यक कौशल और क्षमताएं प्रदान करके हम नए भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभूतपूर्व कदम से हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के सामने मिसाल पेश कर रहा है।